ओम शांति। आपका प्रश्न है, जीवन मुक्ति पाने के लिए क्या क्या मापदंड है? पहले हम समझ ले जीवन मुक्ति क्या होती है और जीवन बंधन क्या होता है। आज सारे संसार के अंदर हम जीवन बंधन में हैं। हम जीना चाहे जी नहीं सकते, हम मरना चाहे मर नहीं सकते, जिसके लिए हम सामान्यतः सुनते हैं, नर चाहत कुछ और भई कुछ और की ओर। ये जीवन बंधन है। हमें उनके पास जाकर उनको सहयोग देना पड़ता है जिनसे हमने सहयोग लिया हुआ है किसी जन्म, उनको देना पड़ता है दुख सुख। हिसाब तो हमने बराबर करना है ना, इसलिए जीवन बंधन है। जिनका जिनका हमने जो जो हिसाब देना या लेना है, उस देने व लेने के लिए उनके संपर्क में आना है। जब बिल्कुल किसी भी रूह के साथ कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा, तब हम आत्माएं अपने घर जाएंगे। इससे पहले नहीं जा सकते, बंधन में है हम। जो कर्म कर चुके हैं उस कर्म का अकाउंट लेने के लिए बंधन में है, हिसाब किताब क्लियर करना है हमको। और जीवन मुक्ति में जाने के लिए अकर्म का खाता चाहिए, इसे कहते हैं विकर्म का खाता। आत्मा समझकर जो हम कर्म करते हैं उसे अकर्म का खाता कहा जाता है, और देह समझकर जो कर्म करते हैं उसे विकर्म का खाता कहा जाता है। अकर्म का खाता सतयुग में चलता है, उसे जीवन मुक्ति कहते। विकर्म का खाता द्वापर कलयुग में चलता है, उसे जीवन बंधन कहते हैं। जीवन मुक्ति पानी है तो आत्मा समझ कर अकर्म का खाता जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा समय सतयुग त्रेता में आ सकेंगे। यदि अकर्म का खाता नहीं है तो सतयुग में आ ही नहीं सकते। और जितना अधिक अकर्म का खाता होगा उतना अधिक समय स्वर्ग का सुख ले सकेंगे, जीवन मुक्ति को अनुभव कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। आत्मा समझ आत्मा के साथ अपना कार्मिक अकाउंट बनाना, जो बाबा रोज सिखा रहे हैं। देह समझेंगे तो देह का अकाउंट बनेगा, आत्मा समझेंगे तो आत्मा का अकाउंट बनेगा। जितना ज्यादा देह का अकाउंट होगा तो द्वापर कलयुग में आना पड़ेगा, अकर्म का खाता होगा तो स्वर्ग में आ सकेंगे। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।